नमस्कार, मैं हूं आरती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के विदेश दौरे से देर रात लौट आए। इसके बाद सुबह आज उन्होंने अपने दिवंगत दोस्त अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के लिए वो आज उनके घर पहुंचे। अरुण जेटली का घर दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जेटली को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे। पीएम मोदी ने यहाँ अपने सबसे प्यारे दोस्त अरुण जेटली की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और अरुण जेटली के गमगीन परिवार को संतावना दी। पीएम मोदी इस दौरान अरुण जेटली के परिवार से मिलकर काफी भावुक नजर आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का शनिवार को एक लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था। जेटली के निधन के वक्त प्रधानमंत्री उस वक्त बहरीन में थे, वो विदेश दौरे पर थे। तब पीएम मोदी ने बहरीन में ही जेटली को याद करते हुए कहा था कि आज मेरा दोस्त अरुण चला गया। पीएम मोदी आज सुबह करीब 11 बजे जेटली के कैलाश कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जेटली की पत्नी संगीता जेटली और उनकी बेटी सोनाली और बेटे रोहन से बात की। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने शनिवार को जब उनके पास ये खबर पहुंची कि अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने तुरंत जेटली के परिवार को फ़ोन लगाया और उनसे बात की थी। पीएम ने जेटली के बेटे रोहन जेटली से बात की थी और रोहन जेटली ने उस वक्त उनसे कहा था कि आप अपना विदेश दौरा छोड़कर ना आएं, क्योंकि वो देश का काम कर रहे हैं। इसके बाद जब पीएम मोदी बहरीन में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान भी वो काफ़ी भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा था उस वक्त वहाँ मौजूद सभी भारतीय समुदाय के बीच में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ भले ही आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में भारी शोक है। उन्होंने कहा था आज जन्माष्टमी का दिन है, बावजूद इसके वो आज, क्योंकि उनके मित्र और अरुण जेटली जो उनके बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे, उनका निधन हो गया है, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने भावुक लहजे में कहा था कि मेरा दोस्त, जिसके साथ उन्होंने सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक यात्रा पर कदम से कदम मिलाकर चले थे, वो हर पल हर समय ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहे और साथ मिलकर काम करते रहे। पीएम मोदी ने कहा था कि हम लोगों ने मिलकर सपनों को सजाया संजोया है और उनको निभाने के लिए एक लंबा सफ़र तय किया है। ऐसे दोस्त अरुण जेटली ने आज अपनी देह छोड़ दी है। पीएम मोदी ने कहा था कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं यहाँ इतना दूर बैठा हूँ और मेरा दोस्त अरुण चला गया। पीएम मोदी ने अरुण जेटली को बहरीन से ही श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि बहुत दुविधा के पल हैं मेरे सामने। एक तरफ कर्तव्य के भाव से बंधा हुआ हूँ तो दूसरी तरफ दोस्ती का एक सिलसिला भावनाओं से भरा हुआ है। आपको बता दें कि अरुण जेटली और पीएम मोदी की दोस्ती हमेशा से ही खास रही है। कहा जाता है कि जेटली पीएम मोदी के असली चाणक्य थे। चाहे नोटबंदी रही हो या जीएसटी, ऐसे कई बड़े देश से जुड़े मुद्दे थे जिन पर पीएम मोदी ने अरुण जेटली की सलाह के बिना कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया था। पीएम मोदी को केंद्र की राजनीति में लाने का श्रेय भी अरुण जेटली को ही जाता है। मैं कर्तव्य से बंधा हुआ इंसान हूं, एक तरफ बहरीन उत्साह और उमंग से भरा हुआ है देश, जन्मोत्सवी का, कृष्ण जन्म का उत्सव मना रहा है। उस पल मेरे भीतर एक गहरा शोक, एक गहरा दर्द, मैं दबाए करके आपके बीच खड़ा हूं। विद्यार्थी काल से जिस दोस्त के साथ सार्वजनिक जीवन के एक के बाद एक कदम हम मिलकर के चले, राजनीतिक यात्रा
साथ साथ चली, हर पल एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, साथ मिलकर के जूझते रहना, सपनों को सजाना, सपनों को निभाना, ऐसी एक लंबी सफर जिस दोस्त के साथ की, वो अरुण जेटली, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, आज ही उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मैं इतना दूर यहां बैठा हूं और मेरा एक दोस्त चला गया, एक भारी व्यथा के साथ, दुख के साथ। और ये अगस्त महीना कुछ दिन पहले हमारी पूर्व विदेश मंत्री बहन सुषमा जी चली गई, आज मेरा दोस्त अरुण चला गया। बड़ी दुविधा की पल है मेरे सामने। एक तरफ कर्तव्य भाव से बंधा हुआ हूं, दूसरी तरफ दोस्ती का एक सिलसिला भावनाओं से भरा हुआ है। मैं आज बहरीन की धरती से भाई अरुण को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं, उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति दे, ये प्रार्थना करता हूं। Well, we spoke last night about Kashmir and the Prime Minister really feels he has it under control. I know they speak with Pakistan and I'm sure that they will be able to do something that will be very good. We spoke about it last night at Gurdwara. Mr. Modi, do you want to add? भारत और पाकिस्तान के बीच कई बायलेटरल इश्यूज हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जब मैंने उनको टेलीफोन किया था तब मैंने उनसे कहा है कि पाकिस्तान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है। हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ें, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़ें और हम मिलकर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। यह संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप से भी। हमेशा हमारे इस बायलेटरल संबंधों के संबंध में बात होती रहती है। Between India and Pakistan, there are many bilateral issues. And after Mr. Imran Khan became the Prime Minister of Pakistan, I called him up to congratulate him, and I told him that Pakistan needs to fight poverty, India too. Pakistan needs to fight illiteracy, India too. Pakistan needs to fight disease, India too. And so together, let us join our forces to fight poverty and all the ills that are facing our two countries. Let us work together to for the welfare of the people of our two countries. And this is the message that I keep giving my counterpart in Pakistan. Along with President Trump, we also keep talking about the different bilateral issues between us. Mr. Modi, would you like to have President Trump be involved in negotiating between Pakistan and India? भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलेटरल हैं और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को
इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं।